भारतवर्ष प्राचीन काल से सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध रहा है। सांस्कृतिक धरोहर के अलावा भी यहाँ पे बहुत से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसके वजह से हमारा देश बाहर के पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षक पर्यटन स्थल बन चुका है। आज इस वीडियो में जर्नी एक्सप्रेस कुछ ऐसे सांस्कृतिक धरोहर को सामने लाने जा रहा है जो भारतवर्ष के बाहर कहीं पे भी शायद आपको देखने को मिले। ये सभी धरोहरों को 3 जुलाई 1998 में यूनेस्को द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिला में स्थित बिष्णुपुर की। बिष्णुपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टेराकोटा की मंदिरें देखने को मिलती है। अगर आप में से किसी को टेराकोटा की मतलब नहीं पता तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पहले मिट्टी से धरोहरों को बनाया गया, फिर उसको आग में झुलसाया गया। बिष्णुपुर की धरोहरों को टेराकोटा ईंट और माकड़ा पत्थर से बनवाया गया है। सन 1600 शताब्दी से लेकर सन 1700 शताब्दी के बीच इन मंदिरों को मल्ल राजाओं ने अपने अपने समय पे बनवाया था। अभी बिष्णुपुर की ज्यादा से ज्यादा धरोहरों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी प्राप्त है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं देबाशीष और मेरे साथी राजा बिष्णुपुर में क्या क्या किए हैं और इन मंदिरों की इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मार्च का 14 तारीख है, हम लोगों का इस साल का सेकंड ब्लॉगिंग आज होने वाला है, मतलब हम लोग आज निकलने वाले हैं रात के 11:05 की गाड़ी से हावड़ा से। कल सुबह 4 बजे हम लोग पहुंचेंगे। जिन्होंने हमारा इससे पहले वाला ब्लॉगिंग यानी पुरुलिया का ब्लॉगिंग जो देखा है, पुरुलिया उसी रूट में है, ये भी एक डेस्टिनेशन आता है। मैं अभी देबाशीष के घर जाऊंगा, वहां से हम लोग डायरेक्ट हावड़ा के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हम बिष्णुपुर स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं। मैंने कहा था बिष्णुपुर में हम लोग 4 बजे पहुंचेंगे, तो 4 बजने के थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही पहुंच गए। तो दोस्तों अभी हम निकलने वाले हैं, यहाँ पे हमारा ऑटो, यहाँ पे हमने ऑटो वाले भाई सब से रफा किया, उन्होंने 250 रूपए मांग रहे थे। थोड़ा तोलमोल करने के बाद घंटे के हिसाब से 200 रूपए में उन्हें राजी हुआ। तो बाद में देखते हैं और क्या क्या हम शूट कर पाते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जर्नी एक्सप्रेस और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। सो दोस्तों, हम लोग का पहला पड़ाव ये एक रथ है जो प्राचीन युग में यहाँ के जो राजा थे, मल्ल राजा है ना, मल्ल राजा वो इस्तेमाल करते थे। तो अगर आप विष्णुपुर आओ तो आपका पहला पड़ाव यही होना चाहिए जो हम लोगों का है। पीछे देखिए, ये हम लोग का सेकंड पड़ाव है, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव है ये। तो फिलहाल जो आप मंदिर देख रहे हो इसे नाट मंदिर कहा जाता है। नाट मंदिर, ये एक दूसरी रात है, ये नाट मंदिर के अंदर ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
नमस्कार दोस्तों, अभी हम बिष्णुपुर में है। हमारा एक्सप्लोरेशन अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो बिष्णुपुर को टेराकोटा का स्वर्ग कहा जाता है। ये बिष्णुपुर पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिला में स्थित एक जगह है, जिसमें आप टेराकोटा का मंदिरें देखने को मिलते हैं। पूरा विष्णुपुर को एक्सप्लोर करना है अच्छी तरह से, तो आपको एज अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना होगा, जैसे हम लोगों ने किया। 6:45 हम लोग निकल गए, और इससे होगा क्या, आप 2:30 तक कंप्लीट कर लोगे, और रिटर्न जो ट्रेन है यहाँ से हावड़ा के लिए 3 का, वो आप पकड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीछे जो मंदिर देख रहे हो, इसे मल्लराज की मंदिर कहा जाता है। सन 1622 में मल्लराज वीर सिंह ने इस मंदिर को माकड़ा पत्थर से बनवाया था। पत्थर की कारीगरी आप देख रहे हो, इस पत्थर का नाम है माकड़ा पत्थर, मतलब माकड़ा। मतलब क्या है, कुछ अलग से नाम है क्या पत्थर इसका? का नाम ही माकड़ा पत्थर है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे ज्यादातर ज्यादा मंदिर जो है यहाँ पे माकड़ा पत्थर से ही बनवाया गया है। एक और बात, आप लोगों ने सुना है कि विष्णुपुर टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन टेराकोटा के अलावा भी यहाँ के मल्ल राजाओं ने हर एक प्रकार के किस्म के आकार की और पत्थरों से, और किन किन से आपको याद आता है कुछ ऐसे? ईंट से, माकड़ा पत्थर से, और आग में झुलसा हुआ जो मिट्टी होता है जिसे टेराकोटा कहता है, और बंगला में पूरा माटी बोलते हैं ना, वही उससे बनवाया गया था। तो दोस्तों, हम लोग अभी श्रीनिवास आचार्य समाधि के सामने आए हैं। अभी जो आप देख रहे हो, ये श्रीनिवास आचार्य की समाधि है। तो पहली बात आपको जानकारी दे दूँ, श्रीनिवास आचार्य जयचंद महापुरुष की एक शिष्य हुआ करता था। ठीक है, जब सन 1600 में यहाँ पे वो आए थे, मल्लराज वीर हमवीर ने उनकी रहने की व्यवस्था की। ध्यान के बाद यहाँ पे उनका समाधि बनवाया है। दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग मदन महल मंदिर देखने आए हैं। उससे पहले आपको एक पेड़ दिखा दूँ, इसको अश्वत्थ पेड़ कहते हैं। आप ये आकृति देख रहे हो, क्या लग रहा है आप लोगों को? दोस्तों, मेरे पीछे जो मंदिर है उसे मदन मोहन मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर मल्लराज दुर्जन सिंह ने 1694 में इसका स्थापना की थी। ठीक है, मदन मोहन को मल्ल राजा का कुल देवता कहा जाता है। मदन महल मंदिर के अंदर है। ये जो आप मेरे सीधा देख रहे हो, ये अन्न भोग का, यहाँ पे महाराज जब आते थे तो यहाँ पे उनके लिए प्रसाद तैयार होता था। सांस्कृतिक जो अनुष्ठान कार्यक्रम यहीं पे होते थे, और ये मंदिर इस तरह यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम होता था। दोस्तों, इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 10.7 meters। Thank you.
भगवान मंदिर से निकलने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है ये स्टोन रथ जिसे कहते हैं। शताब्दी में मल्ला राज रघुनाथ सिंह ने इसको बनवाया था। ये भी मकड़ा पत्थर से बनाया गया है। इसके नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा रासमंच की तरह दिखता है और इसका ऊपर वाला हिस्सा मंदिर की जैसा दिखता है। कैरियर था वहाँ पे था, वहाँ पे था। उससे निकलने के थोड़ा ऊपर जब आएंगे तो ये पहला राज परिवार, यहाँ पे जो राज परिवार थे उनका जो पहला गेट ये आता है, देख लीजिए। इसके बारे में थोड़ा इतिहास देवाशीष आपको बताएंगे। दोस्तों ये जो गेट आप देख रहे हो ये बिष्णुपुर की प्राचीन दुर्ग इलाका में प्रवेश करने का पहला गेट है, ठीक है। और ये गेट मल्लराज वीर सिंह ने बनवाया था। ये भी माकड़ा पत्थर से बनाया गया है। अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ थोड़ा एक ऊपर टीला है, टीले के ऊपर थोड़ा जा रहा हूँ। आप सीधा वो रथ देख रहे हैं ना, वही देख के हम लोग वहाँ पे आए। ये जो टीला है यहाँ पे हर साल जो यहाँ के जो महाराज है यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है उस अवसर पर यहाँ पे गोला फायर किया जाता है। आप जगह जगह में थोड़ा ये पानी के पखीर देख पा रहे हो। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि जब भी दुश्मन यहाँ पे आक्रमण करते थे तो इन पानी को यहाँ से छोड़ दिया जाता था उनके ऊपर। पहले गेट के बाद ये रही दूसरी गेट। यहाँ पे एक सुरंग हुआ करता था, एक दूसरी साइड में है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये दूसरी गेट के बाहर की तरफ है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये सुरंग से बाहर निकलने की जगह है।